स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। ये पार्ट फोर वीडियो है एमएस वर्ड का। देखिए, जैसा क्या है कि हमने पार्ट थ्री वीडियो तक बता दिया है, जिसमें क्या क्या बताया है, क्लिपबोर्ड के बारे में पूरा बता दिया है, पेस्ट कार्ड, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉन्ट के बारे में हमने यहाँ तक बता दिया, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट प्रिंटर हमने पिछले वीडियो में बताया है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर्मेट प्रिंटर और क्लियर फॉर्मेटिंग। आप उसे नहीं देखें तो जाकर देखें। आज बात करेंगे पैराग्राफ सेटिंग के बुलेट के बारे में। ये बुलेट जो है ये सब क्या है, बुलेट के बारे में हम बात करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले ये बुलेट के बारे में जानते हैं। यहाँ से जब ओपन करेंगे इसको बोलते हैं बुलेट, बुलेट इसको बोला जाता है। देखिए क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई आप वर्ड लिख रहे हैं, जैसे ऐसे लिख रहे हैं कुछ हम, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हम, चाहते हैं नहीं मुझे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने के लिए आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाला आप चाहते हैं तो डॉट वाला सेलेक्ट करिए और लिखिए कुछ और इंटर प्रेस करिएगा, तो वो अपने आप बुलेट आ जाएगा। जैसे इंटर प्रेस करिएगा, यहाँ तक लिखते गए, अब देखिए अंत तक गए, जब तक इंटर प्रेस नहीं किए हैं तब तक बुलेट नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं से जाके इंटर प्रेस कर देंगे तो ये बुलेट आ जाएगा, फिर इंटर प्रेस करिए बुलेट आ जाएगा। अब चाहते हैं इसमें ही दिया है, देखिए आप चाहते हैं दूसरा लाना, ये वाला लाना, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं चाहे। अब यहाँ से आप इंटर कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाएं, कंट्रोल दबाइए, स्क्रॉल ऊपर की तरफ करिए माउस का, देखिए ये हो जाएगा जूम इन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बुलेट्स में इतना सारा ऑप्शन दिया है, अब यहाँ से साइन वाला भी दे सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो जो लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पर चलते हैं, क्या है, चेंज स्टाइल बोल रहा है, ऐसे स्टाइल करना है, स्टाइल दिखा रहा है, चेंज न्यू बुलेट पर चलेंगे, डिफाइन न्यू बुलेट से यहाँ पे सिंबल दिखाएगा। आप चाहते हैं कि कोई और सिंबल मुझे लाना है, कहने का मतलब चलिए इसको हम अभी गायब कर देते हैं। देखिए बुलेट बंद करना है आपको, तो आपको यहाँ से जाके नॉन करना पड़ेगा, नॉन करिएगा तो बुलेट बंद हो जाएगा, सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाके आपको नॉन करना पड़ेगा, बुलेट वापस करने के लिए नॉन करना पड़ेगा जाके वहाँ से। देखिए ये आ रहा है तो इसको जाके नॉन करिएगा तब बंद होगा, अगर नहीं नॉन करते हैं यहाँ से ऑफ नहीं करते हैं इसको, देखिए क्या होगा, ये हटेगा नहीं। फिर चलिए कंट्रोल ए करिए, डिलीट कर दीजिए, तो ये हट गया यहाँ से, यहाँ से अगर नहीं हटेगा तो आप नॉन कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बात फिर करते हैं आगे कि डिफाइन न्यू बुलेट में क्या ऑप्शन है। यहाँ पे सिंबल जाइएगा तो सिंबल पे कह रहा है इतना और सारा बुलेट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए ये बीटा, ये पाई का दिखा रहा है, ये आर दिखाता है, टी एम दिखा रहा है, यहाँ पे ऐसा भी हम चाहते हैं ये वाला टी एम वाला लाएँ और ओके कर दीजिए यहाँ पे, और ओके कर दीजिए, देखिए अब टी एम वाला आने लगेगा, इंटर प्रेस करिए टी एम वाला आने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको एक जगह टी एम लिखना हो तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक जगह टी एम लिखना है, यहाँ पे टी एम लिखें और इंटर प्रेस करके यहाँ से बुलेट को ऑफ कर दें, ये हो गया टी एम। अब फिर चाहते हैं आप टी एम लाना यहाँ पे तो टी एम यहाँ पर ला दीजिए, ऐसे और सिम्बॉल लाना चाहते हैं डिफाइन न्यू बुलेट में चलिए सिम्बॉल में जाइएगा तो ये इतना सारा सिम्बॉल दिया, एक दो ये स्टाइलिश वाला भी दिया है, एक दो तीन चार इसमें से दिया, देखिए दस तक दिया ये, और स्क्रॉल नीचे डाउन ऑफ करिएगा, जो भी लाना हो आप क्लिक करके ओके कर देना है। और यहाँ से और जाइएगा तो और है यहाँ पे, देखिए ये और सारा है, यहाँ पे वेबडिंग्स में जाइएगा, वेबडिंग्स टू में यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे अच्छे, ये हाथ वाला हैंड वाला है, ये हैंड वाला आप चाहते हैं तो हैंड वाला ला सकते हैं, ठीक है, ओके कर दीजिए, अब हैंड वाला आने लगेगा, ठीक है। तो आप जो चाहे वेबडिक्स वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं जो आपको चाहिए, डिफाइन न्यू बुलेट में जाइए। और ऐसे ही पिक्चर में क्या है, पिक्चर भी ला सकते हैं, कुछ इस टाइप का पिक्चर हो मुझे, अब मान लीजिए इसमें सारा इतना सारा पिक्चर दिया, ये वाला दिया था, ये वाला कर दीजिए इंटर, ओके कर दीजिए, और उसके बाद अब ये आने लगेगा, ठीक है। तो आपके आपको जो अच्छा लगे वो ला सकते हैं। और ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट में चलेंगे तो यहाँ पे ये फॉन्ट वाला ऑप्शन, अभी फॉन्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि ये पिक्चर है, पिक्चर में फॉन्ट वाला, यहाँ रहेंगे तो फॉन्ट वाला आएगा। देखिए पहले इसको नॉन कर देते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल ए डिलीट कर दिए और उसके बाद यहाँ चलते हैं। अब देखिएगा हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ऐसे ही अब चलते हैं डिफाइन न्यू बुलेट में और यहाँ से फॉन्ट पे चलते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं बोल्ड कर दें इसको, ये जो स्टाइल है इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पर दिखा रहा है इटैलिक कर दीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए, यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ से फॉन्ट साइज दिखा रहा है, साइज बढ़ा लीजिए। इसका कलर करना हो तो यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं, एक बात का ध्यान रहे, यहाँ से आप कलर भी बदल सकते हैं, अंडरलाइन कलर है ये, ठीक है, यहाँ से आप जाके कर सकते हैं, ब्लू कर दीजिए या आप चाहते हैं रेड करना, रेड दिखेगा, रेड फेमस है ना,
ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन मुझे नहीं करना, अंडरलाइन इसके नीचे करना तो आप कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू मतलब यहाँ पे सब बताए हैं, स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब डबल पर कर देगा, तो ये सब सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट सब दिया यहाँ पे, और यहाँ से आप ओके करेंगे। अंडरलाइन स्टाइल अंडरलाइन देना तो आप अंडरलाइन ले लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए अब अंडरलाइन आने लगेगा, कलर में आने लगेगा, इंटर प्रेस करिए, ठीक है। तो आप वहाँ से फ़ॉन्ट से जाकर सेटिंग कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे ही सेटिंग कर सकते हैं। चलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका हो गया, अब नॉन करिएगा तो आप जानते हैं ये क्या होगा। ये सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, अगर बंद ना हो तो यहाँ से नॉन कर दीजिएगा बुलेट अगर बंद ना हो तो। देखिए बुलेट बंद करने का एक और तरीका है, ऐसे जैसे लिख रहे हैं इंटर कर रही हैं फिर इंटर किए हैं, इंटर जैसे करेंगे तो आ ही जाएगा, अब जैसे ही इंटर किए फिर डबल इंटर कर देंगे तो ये हट जाएगा बुलेट। डबल इंटर करके भी आप हटा सकते हैं, ये है एक कीबोर्ड के माध्यम से आप डबल इंटर करके हटा सकते हैं बुलेट को। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं ये वाला क्या है ऑप्शन, तो एक दो तीन वाला, ये आपको रोमन वाला जैसा चाहिए यहाँ से ये आप कर सकते हैं, ये वाला चाहिए तो इंटर फिर प्रेस करेगा तो ये वाला आएगा, बुलेट में यही सब है, ठीक है। फिर यहाँ से चलते हैं, ये वाला आपको चाहिए तो ये वाला कर लीजिए, या रोमन वाला चाहिए तो रोमन वाला कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जो चाहे वो कर सकते हैं, अब एक एक करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तब समझ में, यहाँ से नॉन कर दीजिए जाके। ऐसे ही इसमें चलते हैं, ये भी क्या था, एक नंबरिंग वाला बुलेट था, और यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल लिस्ट। मल्टीपल लिस्ट का मतलब कि देखिए एक कोई हेडिंग हो, हेडिंग के अंदर टॉपिक हो, कहने का मतलब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ गई, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ गया, ये वाला हम ऑप्शन करके दिखा देते हैं। देखिए क्या है, हम सबसे पहले क्या देखिए लिखते हैं कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर लिखें, कंप्यूटर, और इंटर प्रेस कर दिए। तो कंप्यूटर के कितने प्रकार, दो प्रकार, देखिए दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं हम, देखिए ध्यान से, कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखने के बाद इंटर प्रेस किए, और उसके बाद एक होता है हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, तो दो थोड़ी करेगा, हेडिंग के अंदर मुझे टॉपिक लिखना, तो टैब दबा दीजिए आप, यहाँ से आ जाएगा, हार्डवेयर लिखिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लिखिए, अब इंटर फिर प्रेस करिएगा, फिर एक बार और इंटर प्रेस करिएगा तो दो आने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, कहने का मतलब अब यहाँ से समझिए, ऐसे कुछ लिखे हम हेडिंग और इंटर प्रेस किए तो थ्री आया, हम चाहते हैं ए आया तो टैब दबा दीजिए, ए आने लगेगा, फिर बी आने लगेगा, फिर तीन टाइप होता है, चार टाइप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सेट करते हैं, MCQ भी ऐसे सेट कर सकते हैं, चार ही रहता है उसमें, ठीक है। तो MCQ भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं, और उसके बाद इंटर प्रेस करिएगा, आप चाहते हैं तीन लाना है तो फिर एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए, फिर ऐसे ही हेडिंग करिए, फिर टैब दबा दीजिए, फिर इसके अंदर लिख लीजिए चार गो ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सेट किया जा सकता है, फिर इंटर प्रेस, फिर इंटर प्रेस कर दीजिए, यहाँ ऐसे आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ है मल्टीपल लिस्ट में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं, ये जो है ये थोड़ा गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, आप चाहते हैं कम करना है तो इसको पकड़िए, आप रूलर को थोड़ा सा इधर करिए, थोड़ा सा इधर करिए, और इसको आप पकड़ के इधर कर दीजिए, यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है गैपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है गैपिंग, अब यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और देखिए अब इसमें आपका इतना मल्टीपल लिस्ट दिया है, आप एक एक करके देख लीजिएगा, मैंने बता दिया ये मतलब मेन होता है ये, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे सेट कर सकते हैं, आपको और चाहिए तो इंटर टैब दबा के क्या करना है हमने बता दिया है। तो बुलेट में आज हमने क्या बताया है, ये बुलेट के बारे में बताया, और ये आपका नंबरिंग, ये आपका हो गया मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है दोस्तों, तीन चीज़ें बता दी, और आगे का जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना।